हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जेलएस क्लासेस। तो फ्रेंड, आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आज हम लोग देख रहे हैं डिस्काउंट, जिसको हिंदी में बाटा बोला जाता है, उस पर पार्ट थर्ड इसका क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, ठीक है, अधिक मूल्य रखता है। यदि वो अपने ग्राहक को 30% छूट दे देता है तो कितने परसेंट का लाभ कमाए, लाभ है ना, उसका लाभ होगा, ठीक है। देखिए, कहने का क्वेश्चन का मतलब है कि कोई, देखिए, एक सामान है जिसका मूल्य 100 रुपया है, सपोज मान लीजिए, उस पर वो क्या कर रहा है दुकानदार कि 50% अधिक कर दे रहा है। 50% अधिक कर रहा है, कितना हो जा रहा है, 150 हो जा रहा है, ठीक है। तो उसी तरह समझिएगा कि जो है रेट कुछ और है, लेकिन उस पर 50% अधिक मूल्य रख दे रहा है, ठीक। उसके बाद जो अधिक मूल्य रख रहा है, उसके बाद 30% का छूट दे दे रहा है, तब बोला कि जो परसेंटेज लाभ है उस पर क्या होगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका, देखिए सोल्यूशन। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। लागत मूल्य, मूल्य कितना है, 50% अधिक, यानी सपोज मान लीजिए कि 150 है, कोई भी परसेंटेज 100 लेते हैं प्लस 50 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है, 150 हो गया, ठीक। अब बोल रहा है कि जो उसके लागत मूल्य का है वो अपने ग्राहक को 30% छूट दे रहा है, 150 पर 30% छूट दे रहा था, 150 का 30% कितना हो जाएगा, देखिए 150 का 30% कितना हो जाएगा, 10 से 10010 कितना हो जाएगा, 15 × 3 = 45। ऐसे समझ नहीं समझ आ रहा है, अरे 15 × 3 होगा, 45 हो गया ना। अब देखिए कितना बोला है, 50% अधिक, ठीक है, 50% अधिक रख रहा है, हमारा कितना आ गया, 45% आ गया, ठीक है, परसेंटेज है, ठीक। अब क्या करना है कि जो उसका लागत मूल्य है उसमें से हमको जो आया हुआ है उसको माइनस कर देंगे, तो कितना है लागत मूल्य, 50% है, तो यहाँ पर 50 है, 50 − 45 कितना आ जाएगा टोटल, 5%, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत ही एकदम सिंपल तरीका से आपको बताया गया, ठीक है। आई होप कि आप लोग ऐसा वीडियो नहीं देखे होंगे, हो सकता है कुछ बोलने में डाउट हो हम लोग को, नहीं क्लियर कर सकते हैं, लेकिन जो भी आपको ट्रिक दिया जा रहा है वो बेहतर ट्रिक दिया जा रहा है, ठीक है। अगर आप लोग को ट्रिक अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और वीडियो पूरा देखिए, ठीक है, वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा, ठीक। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है फ्रेंड। देखिए, इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें उसी प्रकार का प्रोसेस है। देखिए, इसका सोल्यूशन क्या है, क्रय मूल्य अंकित मूल्य करता कितना, 20% अधिक, यानी सपोज मान लीजिए, माना कोई वैल्यू एक्स्ट्रा हो, ठीक है, तो 20% उसमें अधिक कर रहा है, तो प्लस 20% तो कितना हो जाएगा, 120%, ठीक है। अब देखिए, 5% का छूट दे रहा है, 120 में 5% का छूट दे रहा है, तो आपका 120 हो गया, 5% का छूट दे रहा है, ठीक है, कितना हो जाएगा, 20 × 5 = 100, ठीक। और आपको हो जाएगा ये 1 × 0 = 1, 2 × 6, एंड फाइनल इसका आंसर हो जाएगा 6, ठीक। तो कितना पर हो रहा है, तो 20% पर, 20% अधिक अंकित किया है और 6 रुपये का छूट दे रहा है, यानी तो उसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, तो 20 − 6 यानी 14% का लाभ होगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक थंब लगा दीजिएगा, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, इस टाइप थर्ड का बट्टा में डिस्काउंट में लास्ट क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति उत्पाद के लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित मूल्य करता है, अंकित करता है 25% अधिक अंकित करता है, ठीक है, उसमें 10% का छूट भी दे रहा है, तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है क्या करना। सेम वही प्रोसेस है, आई होप कि आप लोग बना लिए होंगे अभी तक इसको, क्योंकि हमने बता चुका है इस पर दो टाइप का क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है, 25% अधिक कितना हो जाएगा, 125% हो गया, ठीक है, 125, तो बोला कि 10% छूट दे रहा है, 25% बढ़ा के 10% का छूट दे रहा है, तो 125 का 10% कितना हो जाएगा, 125 का 10% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर 125 10, ठीक है, तो 12.5 आ जाएगा, 12.5, ठीक है, 12.5 आएगा, ठीक। अब बोला है कि जो अंकित मूल्य किया है उसमें से इसका कितना प्रतिशत है, देखिए 25% है,
माइनस कितना है हमको 10% का, 12.5%, बचा कितना 12.5%, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे इसका पार्ट 4, ठीक है, तब तक बने रहिए वीडियो पर।